सो हे गाइस, वेलकम टू हेक्साडॉइड। तो इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ ज़ेन यूआई का जो पाई वर्शन है उसका, एंड आपको ये बताने वाला हूँ इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है एंड क्या इसमें नया है कि आप इसको फ्लैश करें अपने फ़ोन में। हर एक चीज़ इस रोम के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना। एंड अगर आप मेरे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं यानी कि बेस्ट कस्टम रोम ऑफ 2018, तो वो पहले देख लीजिए, कार्ड में आई थिंक यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आप देख सकते हैं, आपका मर्जी आप क्या करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक एम रखते हैं 20 लाइक्स का, आई होप आप कर देंगे। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो एंड वो बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को भी 4 क्राइटेरिया में डिवाइड कर लेता है। फर्स्ट है बैटरी, सेकंड है कैमरा, थर्ड है परफॉर्मेंस और फोर्थ है बग्स एंड फीचर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो कैमरा में आपको यहाँ पर जो ज़ेन फोन का डिफ़ॉल्ट कैमरा आपको देखने को मिलता है वही यहाँ पर है और ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके पहले भी मैंने एक ज़ेन यूआई का वीडियो बनाया था लेकिन वहाँ पर 2 मेगापिक्सल से ज़्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाता था और वो एकदम बेकार था, लेकिन इसमें आपको फुली फंक्शनल जो ज़ेन यूआई कैमरा है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको बाकी जो मोड्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रो मोड्स है, उसके अलावा बहुत सारे मोड्स यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर प्रो मोड भी काम करता है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सभी फंक्शन यहाँ पर आपका काम करता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर गोल कैमरा भी काम करता है, इवन जो नाइट साइड मोड है वो भी काम यहाँ पर करता है। लेकिन यहाँ पर जो कैमरा का सेटिंग है वो यहाँ पर ओपन नहीं होता है, पता नहीं क्यों नहीं ओपन होता है, यहाँ पर ओपन करते ही ये क्रैश कर जाता है। ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है इस रोम पे तो आप कमेंट करके मुझे बता सकता है ताकि मैं एश्योर कर सकूँ ये एक बग है, नहीं तो मैं ये सोचूंगा ये जी कैम का प्रॉब्लम है। और कैमरा डिपार्टमेंट को देखा जाए तो सभी ऐप्स बहुत अच्छे से काम कर रहा है, गूगल कैमरा भी काम कर रहा है और जो ज़ेन यूआई कैमरा है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है। तो बात करते हैं इसका परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसको मैंने कल शाम को इंस्टॉल किया था और इसके बाद मैंने जो परफॉर्मेंस इसमें देखा वो बहुत ही अच्छा था। इस रोम पे मुझे उतना भी एक्सपेक्टेशन नहीं था लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिला है, कोई भी लैग नहीं है, बहुत ही स्मूथ काम करता है। आप जाकर सिर्फ डेवलपर ऑप्शन में जाके जो एनिमेशन स्केल है वो लो कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर 2x किया हुआ है और वो बहुत ही स्लो है एंड आपको उसके वजह से थोड़ा सा स्लो परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप उसको 0.5 करते हैं तो जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर काम करता है। और बात किया जाए तो स्टेबिलिटी के बारे में, तो ये रोम बहुत ही स्टेबल यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देता है। और जो फीचर्स के मामले में अगर बात किया जाए तो इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड पाई है इसमें, लेटेस्ट पैच अपडेट है और आपको जो ज़ेन यूआई में जो बेसिक फीचर्स देखने को मिलते थे वही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, सब कुछ यहाँ पर है। यहाँ पर आप थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर आइकॉन पैक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो ज़ेन यूआई का रिंगटोन आपको देखने को मिलता है वही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर AI चार्जिंग, AI रिंगटोन, उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको Asus का जो बाय डिफॉल्ट फ़ोन मैनेजर है वो भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर OTG भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको फिक्स करने का कोशिश कर लूँगा, तो आप कमेंट ज़रूर करना। तो फीचर्स के मामले में ये रोम बहुत ही अच्छा है। एंड स्टेबिलिटी के बारे में बात किया जाए तो ये रोम भी स्टेबल है, कोई भी लैग मुझे अभी तक इसमें देखने को नहीं मिला है। अगर आपको मिले तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, लेकिन मुझे कोई यहाँ पर लैग देखने को नहीं मिला है। तो एक और यहाँ पर बात करते हैं वो है गेमिंग। तो गेमिंग के मामले में ये रोम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर PUBG को मैंने HD में खेला है, कोई भी लैग मुझे देखने को नहीं मिला है एंड बहुत ही अच्छे से गेम रन होता है, स्मूथली काम करता है। तो HD में अगर यहाँ पर PUBG स्मूथली काम करता है तो आप सोच सकते हैं बाकी गेम भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रन कर जाएगा। तो परफॉर्मेंस को लेकर कोई डाउट आपको आई थिंक नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात किया था मैं यहाँ पर कैमरा के बारे में, कैमरा में एक ही प्रॉब्लम बोला था वो जी कैम का प्रॉब्लम है वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर कैमरा बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर बात किया जाए तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर बताया गया था कि जो एयरटेल एंड जो जियो यूज़र्स हैं उनको वोल्टी में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं मिला है। कल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और कॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। ऊपर जो ईयरपीस है वो भी बहुत ही लाउड है, कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बात किया जाए तो वोल्टी के मामले एंड कॉलिंग के बारे में तो दोनों ही बहुत ही अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है, मुझे तो पर्सनली ये प्रॉब्लम नहीं आया है, पता नहीं आपको आएगा या नहीं। तो बात किया जाए तो बग्स के बारे में, कोई भी मेजर बग्स इसमें नहीं है, OTG भी काम करता है। यहाँ पर मेजर बग्स तो मुझे नहीं मिले हैं लेकिन छोटे मोटे बग्स आई थिंक इसमें हैं जो कि नोटिसेबल नहीं है, आप इनको इग्नोर कर सकते हैं।
तो ये रूम ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि ये पोर्टेड रूम है, उसके बावजूद भी ये रूम आपको बहुत ही अच्छा जो परफॉर्मेंस और जो बैटरी लाइफ वो प्रोवाइड कर देता है। तो बात करते हैं इसका बैटरी बैकअप के मामले में। तो बैटरी बैकअप इसका एवरेज है, आप इसमें उतना भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए क्योंकि ये ऑप्टिमाइज नहीं है रेडमी नोट 5 प्रो के लिए क्योंकि ये पोर्टेड रोम है। उसके बावजूद भी मुझे उतना भी ख़राब बैटरी बैकअप इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आप मॉडरेट यूजर्स हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, शायद आपको रात में चार्ज करना पड़े, लेकिन वन डे बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर मिल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पर पबजी को भी खेला है, एक मैच में सिर्फ मेरा 8% बैटरी यहाँ पर ड्रॉप हुआ है, 20 मिनट्स का मैच था, वो हार गया था इसलिए। अगर आप फुली चिकन डिनर लाते हैं तो आई थिंक आपका 10 या 12% बैटरी यहाँ पर ड्रॉप हो सकता है। तो देखा जाए तो ये उतना भी ख़राब नहीं है, तो सब कुछ के मामले में ये रोम उतना भी ख़राब नहीं है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, पाई रोम है ये। और आई होप यू गाइस यू लाइक दिस वीडियो, अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो एंड एम को जरूर पूरा कर दो, भाई का चैनल है यार, एम जरूर पूरा कर दो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।